नमस्ते, आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा से दिवाली की इस सीरीज में आज हम एक सुंदर सा लैंप बनाएंगे और उसके पीछे की गणित समझेंगे। ये लैंप 60 ताश के पत्ते और 120 पुष्पिन से बना है। इसको बनाने के लिए रबर के टुकड़े, पुष्पिन और ताश के पत्तों की जरूरत है। सबसे पहले पत्तों के चारों कोनों पे छेद कर लेंगे। दोनों पत्तों के कोनों को पुष्पिन से जोड़ देंगे और दूसरी साइड रबर का टुकड़ा लगा देंगे। ये 5 पत्तों से बनाया हुआ पेंटागन, ऐसे ही हम 12 पेंटागन बना देंगे। 6 पेंटागन को जोड़ के एक आधा गोला बना दिया और दूसरे 6 पेंटागन को जोड़ के एक दूसरा आधा गोला बना दिया। अब हम दोनों को जोड़ के एक सुंदर सा लैंप बना देंगे। तो चलिए इसके पीछे की थोड़ी गणित समझ लेते हैं। अब इसमें 60 ही पत्ते क्यों लगे, क्योंकि 12 पेंटागन है। लेकिन इसमें जो पुष्पिन लगी हुई है वो 120 क्यों है, क्योंकि हर ताश के पत्ते पे 4 कोने हैं और ऐसे हमारे पास 240 कोने हैं। अब क्योंकि हमें हर दो कोनों पे एक ही पिन चाहिए, इसलिए 120 पिन चाहिए। लेकिन इसमें 20 ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि हर पेंटागन की एज पे एक एक ट्रायंगल मिल रहा है और ऐसे हमारे पास 12 पेंटागन है, तो टोटल 60 ट्रायंगल होने चाहिए। हर 3 पेंटागन की एज पे एक कॉमन ट्रायंगल है, तो हमारे पास हुए 20 ट्रायंगल। और ऐसे ही दिखने वाले सॉलिड को हम आइकोसिडोडेकाहेड्रॉन कहते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि इसे आइकोसिडोडेकाहेड्रॉन ही क्यों कहते हैं। आइकोसाहेड्रॉन कुछ इस तरह दिखता है। ये एक प्लेटोनिक सॉलिड है जो कि 20 रेगुलर ट्रायंगल से बना है। अगर आप इसके वर्टेक्स को कुछ इस तरह से काटे तो आपको हुबहू यही लैंप की शेप मिल जाएगी। ऐसे काटने से हर वर्टेक्स पे रेगुलर पेंटागन मिलता है, क्योंकि 12 वर्टेक्स है इसलिए 12 पेंटागन मिलेंगे। इसी तरह अगर हम डोडेकाहेड्रॉन के वर्टेक्स को भी चॉप करें तो हमें यही शेप मिलती है, बस वर्टेक्स पर ट्रायंगल बन जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसे आइकोसिडोडेकाहेड्रॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों से बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप दशहरा से दिवाली की इस सीरीज में थोड़ी गणित भी सीख जाएंगे। धन्यवाद।